हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है, और आज नहीं जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं, ठीक है पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया, और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहां पर ये सारी बातें पिछले दो दशक से लगातार चल रही है, हर फोरम में चली, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद, हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए अब समय आ गया, ये ठीक है फुटस्टूप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी, मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता है जी, ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है, आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे, यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी, रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी, और इसलिए लेकिन मैं हैरान हूं अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया, ठीक है आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं, लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है, आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की यहां मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूं, हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे, देर आर अदर रिजिडिटीज बिकॉज ऑफ द होल मार्केटिंग रिजिम सेटअप इन द 1930s विच प्रिवेंट अवर फार्मर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस वेर दे गेट द हाइएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इट इज अवर इंटेंशन टू रिमूव ऑल दोज हैंडीकैप्स विच कम इन द वे ऑफ इंडिया रियलाइजिंग इट्स वास्ट पोटेंशियल एज वन लार्ज कॉमन मार्केट। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है, हर किसी ने, यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारें हैं वहां आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है, और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है, शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है, वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहां बुलाया, वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है।